हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक संस्कृत का परफेक्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें साहित्य, पैडागॉजी और आपका व्याकरण, ये तीनों ही पोर्शन रहेगा। क्वेश्चन के पैटर्न वही रहेंगे जो बेसिकली यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलराइट, क्लास का टाइमिंग जो है थोड़ा डिले इसलिए हो जा रहा है इस वक्त क्योंकि वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, बहुत पहले से, मतलब एक घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है इस वक्त। नेटवर्क का इशू इतना ज़्यादा हो गया है, तो अभी ये जब तक 2-4 दिन रहेगा तब तक तो हमें ये थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, क्लासेस हमारी मिस नहीं होने पाएंगी, इसलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। व्याकरण को वेद में क्या माना गया है? आँख, मुख, पैर या हाथ? तो वेदों में व्याकरण को माना गया है मुख। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए। नायक का, पावक का, ये 2-3 हैं जो पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, नय, धन, अक। और कौन सी यहाँ पे संधि हो रही है, बहुत ही आसान है बताना, बताइए फटाफट से कॉमेंट करके। हाश संधि नाम किम, यहाँ पे जो संस्कृत से रहेगा तो इग्नोर करिएगा, हम हिंदी से ही समझाएंगे उसको। राशि संधि किसका नाम है, किस संधि को, मतलब ये नाम भी दिया गया है? आयादि को, दीर्घ को, यड़ को या वृद्धि को? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यड़ संधि को। मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे आपका द्वितीय बहुवचन रूप बनेगा मातृ। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न पर। अग्नि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनता है? अग्निना, अग्नाय, अग्नेय, अग्नि। उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्नेय, ये बनेगा बभूव। इसमें धातु कौन सी लगी है, बभू शब्द में कौन सी धातु है? भू, ब्रज, मी, सॉरी भी, डुक्रिज। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, जितने भी लोगों ने ए गेस किया है, भू बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित धातु पदों में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कौन सा? लकार का ध्यान देना है, मध्यम पुरुष होना चाहिए और एक वचन रूप होना चाहिए। तो बिल्कुल सी ये है, बहुत बड़ी पहचान है, स लगा है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नया सी, मध्यम पुरुष का। जनाः शुक्रम, फिर आगे जो भी है ब्लैंक है, यहाँ पे उचित वर्ड क्या आना चाहिए? पालितम, पालयन्ति, पालयतः, पालयति। तो देखिए जनाः यहाँ पे लिखा है जो कि एक बहुवचन शब्द है, और बहुवचन शब्द के साथ क्या लगता है आपका? ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, पालयंती, यानी बहुवचन रूप ही लगेगा धातु का भी। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, सहसाकम, सारखम आदि योगात काव्य, मतलब इन सब के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो अगर विभक्ति सूत्र आपने पढ़े हैं, कारक विभक्ति की जो मैंने पढ़ाए थे, अगर वो क्लियर है तो बिल्कुल बन जाएगा। सहसाकम सारखम के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। राज्ञा पद में कौन सी विभक्ति है? राज्ञा, यस, सही उत्तर यहाँ पे भी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीया ही हो जाएगा। आप गेस करते चला करिए, आंसर गलत हो सही हो वो मैटर नहीं करता, लास्ट में देखा करिए कि आपसे कितना बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ही प्रैक्टिस सेट या ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका आना है, तो एक आइडिया आपको मिलता चलेगा। मान लीजिए, ये समझ के दीजिए कि आप पेपर ही दे रहे हैं, अब आ गया है ऐसा पेपर, तो अब आप इसमें से कितना सही कर पाएंगे, ठीक है? तो ये एक सिचुएशन मान के चलेंगे, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन खुद को मिलेगा, अच्छा सही होगा तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, गलत होगा तो मोटिवेशन मिलेगा कि अभी ये वाला फील्ड जो है, जैसे मान लीजिए विभक्ति गलत हो रही है, तो समझ में आएगा कि विभक्ति अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपनी कमजोरियाँ पता चलेंगी। श्रीमत इत्यत्र, यहाँ पे श्रीमत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यत, फटाफट से ऑप्शन देखिए। प्रत्यय से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतुप, रक्षणीयाह, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? अनिया, अनियर, अनिया, अनियाह।
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सभी, ये सभी का सही होगा आई थिंक। अनियर प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। कथ धन कत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, कथत कभितः कथत कथत कथ, सॉरी आधा था यहाँ पे। सही उत्तर बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी कथिता, यहाँ पे था होना चाहिए था, भ गलती से टाइप्ड है, यहाँ पे था होना चाहिए था, कथिता होगा ये, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं आपके उनमें से कोई रूप नहीं है, कथिता बनता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे था होता तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। अदरवाइज कॉमन मार्क्स मिल गए हैं सबको, तो एक नंबर ऐड कर लीजिए अपने। निर्गम शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग है कौन सा, निग नि निर नि। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी निर प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, 22। अहर निशम शब्द का सही अर्थ क्या होगा, दिन रात रात तक दिन तक या रोजाना। उत्तर सही होगा आपका दिन रात, अहर निशम मतलब दिन रात। कुपुरुष यहाँ पे कौन सा समास है, उपपद समास, नयी समास, गति समास या फिर मध्य पद लिपि समास। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी गति समास। वैसे बेसिकली आपका कर्म धाराएं समास है, उसी के ये टाइप्स में आ जाता है। भूतपूर्व इत्यस्य अलौकिक विग्रहो अस्ति, यहाँ पे आपको बताना है भूतपूर्व का विग्रह अगर आप रियल में पूरी तरह से करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आराम से कर लीजिए वीडियो को, तब तक मैं लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोग शेयर करिए चाहे ना करिए, लेकिन लाइक तो कर ही दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, कर लीजिए। हमारा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पे हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसे भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आई मीन कर ही लीजिए ना। लिंक दी है, कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ जाके प्लीज़ कर लीजिए, सपोर्ट करिए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। यस, जाते जाते साल में एटलीस्ट कम्युनिटी तो दिलवा ही दीजिए आप लोग मिलके। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्व धन अम धन भूत धन सु, ये आपका पूरा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येकम छंदासी पादाह भवंती, हर छंद में कितने पद होते हैं, बेसिकली त्रय चत्वार पंच या षट। तो नॉर्मली चार जो है वो पद होते हैं बेसिकली, एक जो नॉर्मल माना जाता है, बाकी फिर अलग अलग टाइप के आपके छंद होते हैं अलग अलग। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, यहाँ पे उदाहरण है ये किस चीज़ का, इंद्रव्रजा का, वंशस्थ का, अनुष्टुप का या उपेंद्रव्रजा का। इसके बारे में हम पहले हिंदी में भी आई थिंक देख चुके हैं, ये एग्जाम्पल्स आ चुके हैं हिंदी में भी। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर, आई मीन किसी क्लास में डिस्कस किया, जो हमारी 50 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट चलती है, यस रिवीजन सेट चलता है एग्जाम डोज पे, उसमें हमने ये नाम देखा, इंद्रवर्जा का नाम आया हुआ था, देखा हुआ था। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वंशस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमक में दो पदों का प्रयोग किया जाता है कितनी बार, बार बार, दो बार, 5 बार, 4 बार। कुछ भी आपको ऐसा लगे कि कुछ टफ सा क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस आ गया, उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। एग्जाम में वैसे मुश्किल ही आना, इतना भी हाई लेवल पेपर नहीं आता यूपी टेट में, लेकिन इन केस अगर आ भी गया एक आध क्वेश्चन तो तुक्का लगा दीजिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि हम कर रहे हैं तो आपके तुक्के सही होने के चांसेस पूरे रहेंगे, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ रहेगी वो, तो बिल्कुल यहाँ पर परेशान नहीं होना है, बाकी अपनी बेसिक चीज़ों को लेकर चलना है। करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत शब्द का पर्याय शब्द है क्या, देवभाषा, निकेतनम, विभावरी, पद्यम। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवभाषा, संस्कृत को देवभाषा कही गई है। ज्ञानम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बिल्कुल अज्ञानम यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा। अष्टादश पद का अर्थ क्या है, मतलब कौन सी संख्या है, एक प्रश्न निश्चित रूप से संख्या से आना है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18।
निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, परेशान मत होइएगा, शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। गुरुः गच्छन्तु, गुरुः गच्छन्तु, सेम ही है दोनों, ए बी दोनों, दोनों में से कोई नहीं, ये तो दोनों सेम ही है ना, या कोई डिफरेंस है? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। ठीक है, तो जिन लोगों ने गेस किया है इन तीनों में से कुछ भी, सबको मिलते हैं कॉमन मार्क्स, क्योंकि सही यही है और यही ऑप्शन सेम यहाँ पे लिखा है, तो बिल्कुल ये दोनों ही सही हो जाते हैं। जिसने ए बी सी तीनों में से कुछ भी गेस किया है सही है, लेकिन आपको जब ऐसा ऑप्शन दिया रहे तो आपको ये चीज़ लगानी है, अगर आपको ये कि दोनों सही हैं और दोनों सेम हैं तो आपको सही आंसर सी ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। अगर आप ए या बी लगा के आएंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, ये एक तर्क दिया जा सकता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होना चाहिए। मम्मटेन रचितः ग्रंथः अस्ति, कौन से ग्रंथ की रचना मम्मट ने की है? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, काव्य प्रकाश। कुछ ग्रंथों के नाम और कुछ, ये मैंने पहले भी 100 से भी ज़्यादा की लिस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम में, काफ़ी दिन हो गए हैं, उसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक फ्रेश जो है आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रंथ और रचनाकार संस्कृत के। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है क्या, आई मीन कौन? करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारवि जो है वो अर्थ गौरव के लिए है, कालिदास उपमा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीता वह अध्याय जो गीता का वह अध्याय जो विभूति योग कहा जाता है कौन सा है? चौथा, दसवां, 12वां, 15वां? तो गीता के 10वें अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, आई मीन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सेशन आपका, आई थिंक यहाँ पे मैं इंक्लूड करना जो है वो भूल गई हूँ, पैडागॉजी से नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैं आपसे पूछ लेती हूँ ओरली और उसके आंसर जो है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक या फिर प्रत्यतात्मक? ठीक है, फटाफट से बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले बालकों में प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसी के विषय में वो चिंतन करते हैं। सो ये आज का सेशन था, आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।